मुनव्वर राणा की तो सोच ही अलग, पाकिस्तान सोच का आदमी है, तालिबानी है बिल्कुल पूरी तरह से। है ही पाकिस्तान नहीं हूँ तो क्या कह रही है? है ही पाकिस्तान नहीं हूँ तो हाँ क्या भेजना चाहिए फिर उन्हें? पाकिस्तान भेज दो, उन्हें पाकिस्तान भेज दो उन्हें। तो जो ऐसी सोच के लोग हैं, तालिबानी सोच के लोग होते हैं, तालिबान को सपोर्ट भी कर रहे थे वो, तो कर रहे थे ना, खुलने मुन्ना कहा है तो मैं वो गलत तो नहीं कर रहा ना, वो तालिबानी सोच के लोग, तालिबान भेज दो या पाकिस्तान भेज दो, उनका हिंदुस्तान में कोई काम नहीं है। हिंदुस्तान में वो रहेगा, अजय जी, जो हिंदुओं की बात करेगा, हिंदुस्तान की बात करेगा, वही राज करेगा देश पे। क्या कहा मैडम जी आपने? जो हिंदुस्तान में रहने के लायक है वही हिंदुस्तान में रहेगा। मुनव्वर राणा नहीं रहेंगे फिर? बिल्कुल भी नहीं, वो रहने लायक नहीं है, वो रहने लायक नहीं है हिंदुस्तान में ना, उन्हें छोड़ने लायक नहीं है ऐसे लोग। देखिए मुनव्वर राणा कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में डर का माहौल है। कोई नहीं है, उनके दिमाग में सिर्फ है और कहीं नहीं है, सिर्फ उनके दिमाग में घूम रहा है डर का माहौल। यहाँ उत्तर प्रदेश बहुत शांत सब है, माहौल हो रहा है बहुत, और हमारे मुख्यमंत्री जी जीत के द्वारे से आ रहे हैं। क्यों कहते हैं कि इमरजेंसी से भी ज्यादा खतरनाक माहौल है उत्तर प्रदेश में मुनव्वर राणा जैसे? अरे उनके बहन जी, मैं आपको बताऊं, उनके दिमाग घूम गया है इस टाइम वो यहाँ पर नहीं है, इस टाइम और कहीं दूसरी दुनिया में घूम रहे हैं, तो इनका तो दिमाग घूमता ही रहेगा। क्या कह रही हैं आप? उनका दिमाग काम नहीं कर रहा इस टाइम पे, क्या करे क्या ना करे, मुनव्वर राणा का दुविधा में है। हाँ, कह रहे योगी सरकार आएगी तो उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे हम, डर का माहौल। अरे हम योगी सरकार लाना ला रहे हैं और है और रहेगी, वो जाना है तो जहाँ जाइए, जो देश के वासी देश में रहेंगे, जिसे जाना है वो जाएगा ही, उसे हम नहीं रोक नहीं सकते हम उसे। अच्छा, हिंद उसे आप बताइए। मुनव्वर राणा यानी कि जो शायर है वो ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आएगी तो हम उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे। नहीं तो छोड़ तो बहुत पहले से रहे थे ना, वो लोग हमेशा ही कहते मोदी आएंगे तो छोड़ देंगे, अब योगी जी आएंगे तो छोड़ देंगे, तो छोड़ दो ना भाई, जिसको नहीं रहना वो चला जाए यहाँ से, लेकिन यहाँ योगी जी आएंगे और 101% आएंगे। ये कह रहे हैं इमरजेंसी से भी ज्यादा खतरनाक हालात। किसने कहा? बराबर कहने दो, उनके कहने से क्या होता है। हाँ तो अब आई थी 2019 में, आप देख रहे हैं कोरोना काल कितना खतरनाक आया था, इससे भी खतरनाक कोई आएगा, जिसमें योगी आदित्यनाथ ने पूरे अपने सुज स्वभाव से अपना कार्य करा है इस उत्तर प्रदेश में, और किसी की भी सरकार के बस की नहीं था ये काम करना। आप बताइए क्या नाम है आपका? मोनिका वर्मा है। ये बताइए मोनिका जी, मुनव्वर राणा कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में डर का माहौल है, क्या कहेंगे ऐसे लोगों के साथ? ये उसकी गलत फहमी है कि हमारी यूपी सरकार अंदर में जो है डर है, डर बिल्कुल नहीं है, सभी लोगों ने डर यहाँ निकाल चुके हैं जब से भाजपा की सरकार आई है। क्या कहेंगी आप? आप बताइए। अब की बार भाजपा सरकार, जय श्री राम, जय श्री राम। महिलाओं का सम्मान जो सरकार में मिला है, 5 साल से पहले कोई नहीं था, अब महिलाएं आप देख रही है पूरा खुला माहौल है, हर तरह सुरक्षित है, शाम को 8 बजे 9 बजे 10 बजे किसी भी समय आ जा सकती हैं, गुंडागर्दी कोई नहीं है, सुरक्षित माहौल है। मुनव्वर राणा जैसे लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश छोड़, मुनव्वर राणा कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार आएगी तो उत्तर प्रदेश छोड़ दूंगा, डर का माहौल है। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दे, हमें कोई डर नहीं है, हमारे यहाँ पर आज तक किसी ने ऐसे नहीं कहा, उन्हें आंखों पे पलकों पे बिठा कर रखा है, वो बहुत महान शायर है, और देखिए क्या जवाब देते हैं। उनसे ये पूछे गए उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल में कोई दंगा हुआ है क्या जो मुनव्वर राणा जी डर रहे हैं? आप बताइए कोई डर है उन्हें? वो ये कहते हैं मुसलमानों के लिए बड़ा खौफ है उत्तर प्रदेश। तो हमारे तो मुरादनगर में आज तक कोई मुसलमान खौफ में नहीं है, मेरे कितने मित्र हैं, मैं किन किन के नाम गिनवा दूं, हम सब पारिवारिक मित्रों की तरह रहते हैं, हमारे यहाँ कोई डर भय नहीं है किसी में भी। इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई थी उससे भी ज्यादा खतरनाक माहौल है उत्तर प्रदेश में। आप अपने आप को देख लीजिए, आप कितनी सुरक्षित घूम रही है उत्तर प्रदेश में, आपको उत्तर प्रदेश में कोई डर है? आप यहाँ सुबह से घूम रही है उत्तर प्रदेश में, आपको कोई डर है? किसी ने आपको कुछ करा है? टीजिंग करी है? बहन को किसी ने कुछ कहा है? कहेगा तो फिर योगी बाबा का डंडा जिंदाबाद। कहेंगे मुनव्वर राणा जैसे लोगों के लिए? मुनव्वर राणा जो इस तरीके से बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में डर का माहौल है, इमरजेंसी भी ज्यादा खतरनाक माहौल है, यहाँ ऐसा कोई भी माहौल नहीं है, क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए जो लोगों को बरगलाते हैं झूठी दबी? बिल्कुल खत्म हो चुका है, योगी और बाबा मोदी बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद। मुनव्वर राणा कह रहे हैं डर का माहौल है उत्तर प्रदेश नहीं है, बिल्कुल सब सफा है, बस सिर्फ योगी साइकिल नहीं आएगी, बाय बाय साइकिल होगी 2022 में, बाय बाय साइकिल होगी। पहले जॉब्स निकलती थी, घोटाले हो जाते थे, पर्टिकुलर समुदाय को जॉब मिल जाती थी, आज के टाइम में युवा आप देख रहे हैं कितने सारे युवा खड़े हैं, बिल्कुल पारदर्शिता से काम हो रहा है, और इससे बढ़िया सरकार मिलने की नहीं है। थैंक यू। ऐसी सरकार नहीं आई है, नहीं आज तक आएगी, जैसी बाबा की सरकार है किसी की सरकार नहीं होगी, किसी की सरकार नहीं होगी। अच्छा ये बताइए, जो लोग झूठ बोल रहे हैं कि मुनव्वर राणा कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में माहौल ठीक नहीं है, क्या कहेंगे ऐसे लोगों? ये गलत है जी, बिल्कुल माहौल बढ़िया है, बिल्कुल बढ़िया माहौल है जी। क्या करना चाहिए ऐसे लोगों के साथ? ऐसे लोगों को हराना चाहिए, चुनाव में हराएंगे उन्हें। हाँ और क्या। चलिए बताइए किसकी सरकार आ रही है?
हमारी है बाबा की सरकार आ रही है जी, योगी बाबा की सरकार 350 सीट जीतेंगे। हाँ जी, ये बताइए सर किसकी सरकार आ रही है इस बार? योगी जी की सरकार आ रही है कंफर्म 110%। अखिलेश यादव के बारे में क्या विचार है, किस तरीके से देखते हो? साइकिल गई, पंचर हो गया, पंचर हो गई कंफर्म। आप बताइए क्या नाम है आपका? अशोक। गुंडा राज नहीं चलेगा, जो गुंडागर्दी उन्होंने कर ली सब कर ली, अब तो वो दफन हो जाएंगे बिल्कुल। भ्रष्टाचार मुक्त, महिलाओं का सम्मान, जनता को रोजगार, सब कुछ मिलेगा। योगी जी, मोदी, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बुलडोजर वाली सरकार है, भारत माता की जय। गठबंधन जो हुआ है इस बार कुछ नहीं होगा, हवा में उड़ जाएगा, हवा में उड़ जाएगा। इलेक्शन में भी, लोकसभा के इलेक्शन में भी तो हुआ था गठबंधन, वो भी फेल था, इस बार भी फेल है। गठबंधन चोर चोर मोसेरे भाई, मोसेरे भाई एक 1.25 लाख वोटों से जीतकर फिर से मुरादनगर विधानसभा में आएंगे और मंत्री बनेंगे। इसका मतलब क्या? गठबंधन का मतलब क्या? गठबंधन का मतलब है देश को आगे बढ़ाना। हमारी सरकार सफाया करती है, 75% को ठोक दिया, 25% को ठोक देगा। गठबंधन का मतलब है देश को आगे बढ़ाना, विकास करना। ये तो विनाश पे लगे हुए हैं, ऐसा गठबंधन लोगों ने करा, देश को नाश करने पर लगे हुए हैं। अपनी दुकान चलाने के लिए गठबंधन किया, इन्हें देश से राज्य से कोई मतलब नहीं है। ठगों की मंडली है इकट्ठी हो गई है जो, और अब चाह रही है कि हम प्रदेश में अपनी सरकार बना ले, जिनकी कभी नहीं बननी सरकार। अखिलेश कह रहा कोई हमारी पार्टी को छोड़े हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको पता है ना हार तो निश्चित है। बीजेपी फिर से आ रही है तो क्या फायदा इससे? फर्क उसको पड़ता है जिसके पास कुछ हो, जिनपे कुछ चाहिए तो फर्क कहाँ पड़ेगा उसके पास। हमारी 350 सीट आ रही है और मुरादनगर की सीट हम 1.25 लाख वोटों से जीत रहे हैं। जब बने चौधरी साहब ने कहा था जिस पार्टी में समाजवादी का झंडा उसके अंदर गुंडा, फिर भी वहीं जाके गठबंधन किया है तो क्या किया है? कुछ भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। भाजपा सरकार आ रही है, प्रत्याशी है, धमकियां दे रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये कर देंगे, हिंदुओं को भगा देंगे। तो अभी अभी से ये दे रहे हैं, अभी तो सरकार आने की उम्मीद भी नहीं है, तब से कह रहे हैं कि जिला छुड़वा देंगे। काम ही है, पहले भी यही काम था, अब भी आगे भी यही काम करना है। वो जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, उनकी सरकार आने की नहीं, वादे कितने कर लो, जब आने की नहीं तो निभाएंगे, जब आई थी तो निभाते हैं वो। अब ठगबंधन भी खत्म हो गया, गठबंधन भी खत्म हो गया, हिंदुत्व तो आ गया, हिंदू योगी मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं तो ये कहूंगा नरेंद्र मोदी योगी ब्रह्मा विष्णु महेश के अवतार बन के आए हैं, क्या बात कर दी। कोरोना काल में अगर आगे आया है तो अन्नपूर्णा के रूप में मोदी योगी जी आया है, और क्या फ्री बिजली का लालच दे रहे हैं अखिलेश यादव। फ्री बिजली से क्या मिलता है, देश हित की बात करो, लोग पूरे महीने कमाते थे, खेतों में देके चले जाते थे, क्या बात कर दिया। अखिलेश यादव अपनी तनख्वाह कम करने के लिए तो नहीं बोल रहे, पहले बिजली आती नहीं थी और अब फ्री बिजली देंगे। पहले बिजली आती नहीं थी, तारों में करंट नहीं आता था, और अब फ्री बिजली की बात करते हैं। हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं, हाथ में चोट हो या पैर में, भाजपा के लिए दिन रात एक कर देंगे। अपनी तनख्वाह कम करने के लिए बोले अखिलेश यादव, अपनी सरकार अपने खर्चे कम करने के लिए बोले, बिजली फ्री देंगे कहाँ से, कहाँ से बिजली फ्री देंगे? ठोको, हमारी सरकार ठोको ही सरकार है, 75% ठोक दिए, 25% आपका ठोक दिए। भ्रष्टाचार ना गुंडा, इस तरीके से देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ के 5 सालों को? अच्छे तरीके से, शांति के रूप में। आप बताइए कोई दंगा हुआ उत्तर प्रदेश में? हुआ ना हुआ? लोग जितनी समस्याओं से परेशान थे सभी को उसी से निजात मिली है। लोग जल से परेशान थे, जल मिल रहा है। लोग बिजली से परेशान थे, बिजली मिल रही है। लोग अशांति से परेशान थे, शांति मिल रही है। इसलिए उत्तर प्रदेश को सुरक्षित और सुखी रखना है, माताओं बहनों को सुरक्षित रखना है, तो योगी जी को दोबारा उत्तर प्रदेश में लाना पड़ेगा, जोर से जयघोष करना पड़ेगा, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश कह रहा हमारी सरकार आएगी, कहने दीजिए कहने दीजिए, किसी के ख्वाबों पे कोई हक नहीं है। सैफई में उनकी सरकार है, खाली सैफई में सरकार रह जाएगी। और आप जो फ्री बिजली की बात कर रही हैं, मैं आपके माध्यम से उन तक ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं, अगर जो वो फ्री बिजली देना चाहते हैं, घर घर सोलर लगवा दे तब देखे फ्री बिजली होती है। फ्री बिजली का मतलब है सबको उपलब्ध होना, लाइट होना, सब घर में सोलर लगवा दे तो वो फ्री बिजली नहीं कहलाई जाएगी क्या? हाँ। आपने पैसे ले लिए, देश को बर्बाद कर दिया और फिर बिजली की बात कर रहे हैं। बच्चों को विदेश भेजेंगे पढ़ाने के लिए? अरे खुद के बच्चे विदेश है ना। हाँ। खुद के बच्चे विदेश है, वो देश को भी विदेश भेजना, वो देश को भी विदेश भेजना चाहता है। उसका खुद के बच्चे विदेश है, वो देश को विदेश भेजना चाहता है, इसीलिए तो ये आतंकी साजिश हो रही थी।